गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 में आ रहे हैं, ठीक है। ये है द दिल्ली सल्तनत। सल्तनत का मतलब क्या होता है? राजाओं का जो राज्य होता है, ठीक है। तो ये जो था, अब दिल्ली जो है मोहम्मद गोरी के बाद कौन गद्दी पर बैठा? तो जैसा हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी ने अपना एक स्लेव को मतलब राज्य देकर वो वापस अपना चला गया था। तो अब हम जानेंगे कि मतलब कि ये दिल्ली मतलब कि जो बैठा इस पर गद्दी पर उसका जो स्लेव था उसने क्या क्या किया। तो मोहम्मद गोरी की जीत हुई पृथ्वीराज चौहान के अगेंस्ट में। सेकंड बैटल जब तराइन का हुआ AD 1192 में। तो यहाँ से एक घटना हो गया कि मतलब एक मेडिवल हिस्ट्री में इसने क्या किया कि रास्ता दिया तुर्किश अफगान रूल को इंडिया में। कुतुबुद्दीन ऐबक ये सबसे विश्वसनीय स्लेव था मोहम्मद गोरी का, और उसने यहाँ नींव डाला, फाउंडेशन डाला स्लेव डायनेस्टी का इंडिया में। ये डायनेस्टी को मतलब कि मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। मामलुक एक अरबी वर्ड है जिसका मतलब होता है स्लेव। इस पीरियड ने देखा मतलब कि 5 डायनेस्टीज तुर्किस अफगान ओरिजिन का, स्लेव डायनेस्टी, खलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी और लोदी डायनेस्टी। तो अब जो है स्लेव डायनेस्टी का जो निर्माण करता था, जिसने एस्टैब्लिश किया, वो कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्थापित किया अपने आप को इस ये मतलब कि सल्तनत जो था अफगानिस्तान में, और नदर पार्ट जो हमारा इंडियन सब कॉन्टिनेंट का था वहाँ पर उसने अपना राज्य को स्थापित किया। उसने इस्टेब्लिश किया अपना कैपिटल पहले लाहौर में, बाद में वो दिल्ली आ गया। उसकी जनरसिटी ने उसका मतलब कि उसको टाइटल दिया लक बक्स का, या फिर गिवर ऑफ लैक्स का। उसने 2 मॉस्क बनाया, एक था दिल्ली में जो कहलाया कुवतुल इस्लाम, दूसरा था अजमेर में जो कहलाया अधई दिन का जुनप्रा। उसने स्टार्ट किया कंस्ट्रक्शन कुतुब मीनार का, जो बाद में कंप्लीट किया इल्तुतमिश ने। वो मिला, उसकी अचानक एक मौत हो गई लाहौर में। परिणाम क्या था कि वो गिर गया था घोड़े से जब वो पोलो खेल रहा था। उसके बाद जो है जब उसकी अचानक मौत हो गई कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो शमसुद्दीन इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा। तो हिस्टोरियन इतिहासकार मानते हैं इल्तुतमिश को कुतुबुद्दीन ऐबक का सन इन लॉ, ठीक है। और वो रियल कंसोलिडेटर था तुर्किश कॉन्क्वेस्ट का नॉर्थ इंडिया में। कंसोलिडेटर मतलब निर्माण करता। तो जैसा कि इल्तुतमिश एक स्लेव था, उसका कोई मतलब हेरिडेटरी दावा नहीं था गद्दी पर, इसलिए उसके पोजीशन को चुनौती दिया नोबल्स ने, इंट्रोड्यूस करने के लिए कि वह अपना प्रशासन में उसकी एफिशिएंसी है। उसने संगठित किया अपना नोबिलिटी को एक सेलेक्ट ग्रुप जो कि 40 नोबल्स का था, जो कहलाया चहलगनी। उसने लागू किया नए सिक्के भी, सिल्वर टाका कॉपर जीतर। तो जब उसने सिक्योर किया अपना पोजीशन, तो उसने अपना एम्पायर भी बढ़ाया। पूरा नॉर्थ इंडिया को वह अपने कंट्रोल में लाया। वह एबल था कि वह अवॉइड करे जो अटैक था फेमस मंगोल गंगेज खां का, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा और दूरदर्शिता के द्वारा। तो अब इल्तुतमिश समर्थक था आर्ट और आर्किटेक्चर का। उसने कंप्लीट किया कुतुब मीनार को दिल्ली में। उसने कुवतुल इस्लाम मॉस्क भी बनाया और एक बहुत खूबसूरत टॉम रेड सैंडस्टोन दिल्ली में। अब हम आते हैं इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान। उसकी मृत्यु के पहले इल्तुतमिश ने नॉमिनेट किया अपनी बेटी रजिया सुल्तान को अपना सक्सेसर के रूप में। अब वह ओनली मुस्लिम वीमेन शासक थी दिल्ली की। उस वह मतलब कि गद्दी पर बैठी और मतलब सफल हो गई, लॉ को स्थापित किया, लॉ और ऑर्डर को पूरा मतलब अपने साम्राज्य में। वह एक ब्रेव लेडी थी जो हमेशा मतलब एक मैन की तरह ड्रेस पहनती थी, घोड़े पर चढ़ती थी और दरबार भी अटेंड करती थी। नोबल लोग जो थे, दरबारी लोग स्वीकार नहीं कर पाए उसको एक सुल्तान के रूप में, क्योंकि वह एक वुमेन थी और इनका अपोज कर रहा था कौन, तो एक फीमेल मोनार्च के शासन को वो लोग अपोज कर रहे थे।
उलेमा या क्लर्जी और नोबिलिटी ने इसे बड़ा ही अपमान, मतलब उनको लगा कि एक औरत के अंदर वो काम करे। उसने मतलब कि उसकी उसको मर्डर कर दिया गया। और ये एक षड्यंत्र रचा था नोबल्स ने 1240 AD में। आज बस इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक आप लोग इस चैप्टर को फिर से एक बार पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।